क्लास नाइन का आज न्यू चैप्टर शुरू करेंगे नंबर 4। हमारे पास चैप्टर का नाम है डाटा एंड प्राइवेसी। ठीक है, डाटा एंड प्राइवेसी हमारे पास किस टर्म में आता है कि जो हमारा डाटा ऑलरेडी हमारा प्रीवियस चैप्टर था वो नेटवर्क था। अब उसमें हमने इंटरनेट भी पढ़ा, फिर हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो उसमें जैसे हमने उसको पढ़ा है उसके बहुत से फायदे हैं। हम अपने दोस्तों से कनेक्ट कर सकते हैं, हम इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, हम एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं। हमने इसकी बहुत सी पॉजिटिव एग्जाम्पल्स पढ़ी, लेकिन उसके साथ साथ उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो हमारी जो डाटा है, हमारा जो पर्सनल डाटा होता है, हमारी प्राइवेसी है उसके वो उसमें उसकी उसकी मतलब प्राइवेसी में लीक होने में और डाटा के लीकेज में हमारे उसमें एक हमारे पास एक रिस्क आ जाता है कि हमारा जो पर्सनल डाटा है और हमारी प्राइवेसी है वो सरकार जो हो रही है वो खराब हो रही है, हमारी हमारे जो है ना प्राइवेसी नहीं रही ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो आज हम उस उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एथिकल इश्यूज रिलेटेड सिक्योरिटी। हमारा जो सिक्योरिटी के जो डाटा सिक्योरिटी है, हमारे पास प्राइवेसी है, हमारे उसके जो रिलेटेड हमारे पास एथिकल इश्यूज हैं हमारे पास वो क्या आते हैं। ठीक है, एथिकल इश्यूज में हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक्सपोज किसी का पर्सनल डाटा या पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारी पर्सनल ये हमारी एथिकल एक ड्यूटी है, हमारे पास एक राइट है कि हम उस बंदे के डाटा को सिक्योर कर रखें ना कि उसको लीक करें। ठीक है, अब ये इसमें हमारे पास बहुत से पॉइंट्स आते हैं, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, फ्रॉड एंड मिसयूज, पेड एंड कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट एंड सब, ये सारे पॉइंट्स हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास पॉइंट ये होता है कि जैसे हमारे पास किसी का पर्सनल डाटा या पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो हमारा हम अगर हम उसके डाटा को सिक्योर करेंगे, हम अपने डाटा को मिसयूज नहीं करेंगे या उसको किसी दूसरी पर्सन को प्रोवाइड नहीं करेंगे जो कि उसको मिसयूज ना करे, तो ये इनबिल्ट हमारे पास क्या होती है, किस तरह में आता है कि हम उस बंदे की ही हिफाजत कर रहे हैं जिसका पर्सनल डाटा हमारे पास होता है। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास हमारी बैंक कंपनीज के पास हमारे बैंक के हमारे बैंक की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद होता है, या वो पर्सन जिसको जिसके साथ हम अपने बैंक के साथ लिंक होते हैं उस पर्सन के पास आपके बैंक की ट्रांजैक्शन का सारा लिंक होता है। ठीक है, अब वो अगर हमारी ट्रांजैक्शन को ना मिसयूज करे, हमारी लेट्स सपोज अगर आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, तो आपके पापा की कोई कंपनी है तो आपके पापा की ट्रांजैक्शन बैंक ट्रांजैक्शन का एक सीक्रेट है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो बैंक का राइट है कि वो उस चीज़ को किसी पर्सन के साथ किसी अदर पर्सन के साथ उसको शेयर ना करें। उससे क्या होगा कि वो लेट्स सपोज अगर आपके बैंक में कोई ट्रांजैक्शन हुई है या आपने ट्रांजैक्शन करवाई है तो उससे क्या था लोगों को पता लग गया, लेट्स सपोज अगर वो मतलब वो पर्सन जो जिसके पास आपको इन्फॉर्मेशन है कि आपने आज पर सर्टेन अमाउंट एक ज़्यादा अमाउंट की ट्रांजैक्शन करवाई है, तो अगर वो पर्सन आपके उस वो इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे पर्सन को देता है जो कि अनएथिकल है, जो कि फ्रॉड है, जो या चोर है, तो वो आपकी उस को चोरी भी कर सकता है या उसको पता होगा कि आपके पास कितने पैसे हैं तो वो कोई अटैम्प्ट कर सकता है जिसकी मदद से वो आपकी और रकम को चोरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास इसमें आता है पॉइंट है वो हमारे पास फोन कंपनी, इसके हमारी फोन कंपनी है उनके पास हमारा पर्सनल डाटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारी कॉल रिकॉर्ड्स होती हैं, हमारे फोन नंबर होते हैं, हमारे पर्सनल फोन नंबर वगैरह होते हैं, तो आपको फोन कंपनी का ये राइट है या उस पर्सन का जितने भी लोग वहाँ ड्यूटी है कि हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखें, हमारे जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं उनके पास उसको अपने पास हमारे जो कॉल होती है वो भी रिकॉर्ड होती है उनके पास उसको भी वो सिक्योर रखें, उसको भी वो नॉन लीगल पर्सन को ना उसको प्रोवाइड करें, सिर्फ सिक्योर जो हमारी एजेंसी हैं उनको ही उनके पास वो इन्फॉर्मेशन है, वो अदर जो पर्सन है उसको ना हो। ठीक है, हमारा जो पर्सनल डाटा इसमें मतलब इम्पोर्टेंट हमारे पास पर्सनल जो हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारा पिक्चर्स या वीडियोज या हमारा डाटा होता है जो हमारे पास ओवर द लैपटॉप या इंटरनेट या हमारे मोबाइल में स्टोर होता है। ठीक है, तो जैसे हम कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो एप्लीकेशन आपसे आपकी गैलरी का अलाउ मानती है कि हमें गैलरी का एक्सेस नहीं। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसी एप्लीकेशन यूज़ करें जिसमें गैलरी का एक्सेस बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करें उसमें गैलरी का एक्सेस जरूरी है। ठीक है, तो आपको अगर आप गैलरी का एक्सेस ले रहे हैं तो व्हाट्सएप या उस पर्टिकुलर कंपनी का ये राइट है, ये ड्यूटी है कि वो उस डाटे को जो हमारा पर्सनल डाटा है हमारे गैलरी में सेफ है उसको उसकी ब्रीच ना करें, उसको ऐसे पर्सन को ना उसको शेयर आउट करें या उसको मिस यूज़ ना करें जो हमारे जो भी ब्लैक में कर सकते हैं जो भी उसको खुला हमारे काम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका आप जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केट पर्सन है, इसमें मार्केट पर्पज में ये आता है कि अगर आपको एक चीज़ की पसंद एक चीज़ आपको जरूरत है या एक चीज़ आप पसंद
पसंद है आपको, ठीक है, आप उसकी आपका इंटरेस्ट है वो, तो मार्केटिंग कंपनीज क्या करती हैं, जैसे अगर आपने इसको गूगल किया तो गूगल की कंपनी सबसे पहले इस बात पे केस हुआ था फेसबुक, अगर आप लोग इस बात को पता हो तो फेसबुक पे इस बात का हुआ था केस भी हुआ था कि उन्होंने हमारा पर्सनल डाटा था उसको ओवर द कंपनी सेव किया था। दैट्स व्हाट, अगर आप लोगों का कोई चीज़ में इंटरेस्ट है, आप आजकल इंडिया ठीक है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों का इंटरेस्ट एक खास चीज़ में है, ठीक है, तो अब आप लोगों का जो पर्सनल अब आपकी नाम के साथ आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको कुर्तों के स्पेशल कलर में या स्पेशल डिज़ाइन में इंटरेस्ट है तो जो वो कंपनी जो वो कुर्ता डिज़ाइन करती है या वो चीज़ बनाती है तो वो कंपनी जिनके पास हमारा इन्फॉर्मेशन होती है वो डाटा उस कंपनी को सेव कर देती है। अगर आपको लैपटॉप में या टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, मोबाइल में इंटरेस्ट है तो फेसबुक या गूगल या अदर एप्लीकेशन के पास ये डाटा है कि मैं मेरा फेसबुक मेरा लैपटॉप या मोबाइल में इंटरेस्ट है तो क्या करेंगे मेरा पर्सनल डाटा मेरी इन्फॉर्मेशन उन कंपनीज को शेयर कर देगी जो लैपटॉप या मोबाइल या इस तरह की टेक्नोलॉजी वगैरह को मैनुफैक्चर करते हैं। वो क्या करेंगे, वो अपनी एड्स मुझे दिखाएंगे कि ये हमारा डाटा, ये हमारा इन्फॉर्मेशन, ये हमारी जो कॉन्टेंट है जो बना रहे हैं, ये एक तरह से ठीक होता है लेकिन ये हमारी प्राइवेसी में ब्रीच होता है, हम कंपनीज को ये ईआरएफ के काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला जो टर्म है वो है पायरेसी का। पायरेसी क्या होता है, हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर जो भी हमारा डाटा होता है उसकी इनलीगल कॉपीज बना के उसको आगे सेल आउट करना या उसको खुद यूज करना, उसमें हमारी कोई भी इंटेलेक्चुअल कॉपी ऐसी हमारी बुक हमारी पोएट्री हमारी राइटिंग हमारा सॉफ्टवेयर हमारी मूवीज वगैरह जो भी हमारा इंटेलेक्चुअल कॉपी है वो सारी पायरेसी में आती है। पायरेसी होता है कि उन सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का या उन सारे सॉफ्टवेयर को आप कंपनीज या पर्सनल इंसान उसको पर्सनली यूज करें उसकी कॉपीज में आकर उसको फर्दर सेल करें। उसमें हमारा सबसे पहला जो करना हुआ है शॉपलिफ्टिंग क्या होता है, अब आपने आपके पास एक सॉफ्टवेयर जो पेड वर्जन में मौजूद है, ठीक है, आप उसे क्या करते हैं, आप इसको उसकी सॉफ्टवेयर की कॉपीज में आकर उसको सेल आउट कर देते हो, आपने उसको सेल आउट कर दिया कि आप वो सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट में फ्री मिल जाता है, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर नाम हमारे पास क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर जो हमें फ्री मिल जाता है जब वो पर्सन को जिस पर्सन ने वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया होता है उसको उसके पैसे वगैरह नहीं मिलते तो वो उसकी एक तरह से मेहनत पे ग्राहक नहीं उसे मिलता, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर आपका अगर आपने खरीदा है, ठीक है, तो आप उसको सिर्फ एक ही कंप्यूटर पर यूज़ करें, ठीक है, एक आपके पास उसका लाइसेंस है तो उसको आप एक ही कंप्यूटर पर यूज़ करें, ना कि आप उसकी कॉपीज में आके उसको फर्दर कंप्यूटर्स पर यूज़ करें। इसकी सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल हमारे पास है विंडोज़ का सॉफ्टवेयर, और विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास वो एक अगर आपके पास एक कंप्यूटर का लाइसेंस है तो वो कंपनीज या अदर जो फ्रॉड है उसको क्या कहते हैं उसकी कॉपीज में आके उसे पायरेटेड करके उसको सेल आउट कर देते हैं। तो पायरेसी में आता है आप ये माइक्रोसॉफ्ट का कॉपीराइट है कि उस विंडो के ऊपर कि वो विंडो की जो फॉर्म है मतलब आप वो जो विंडो की है वो खरीदी जाए उनसे और वो खरीद सेल आउट करके उसका लाइसेंस लेके उसको यूज़ किया जा सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है हार्ड डिस्क रोटिंग, इसका हार्ड डिस्क रोटिंग क्या होता है, अगर आपके पास कोई गेम है, ठीक है, आप उस गेम की क्या करते हो, आप उस गेम की को पायरेट करके उसको कीज एंड उसके लॉक और आप उस गेम को खरीदते हो, अब फिर इसके बाद उसे क्या करते हो कि आप उसकी कॉपीज बना के उसको फर्दर सेल आउट करते हो। इससे क्या होता है कि जिस कंपनी में वो गेम बनाते हैं उन्हें नुकसान होता है, ठीक है। ओवर द मल्टीपल डिवाइसेस वो सॉफ्टवेयर के पास जिनका मार्केटिंग के पास कॉपीराइट क्लेम होता है, जैसे हमारे पास ये जो मैंने स्लाइड बनाई है बस किया पावर पॉइंट बनाई है, ठीक है। अब इस कंपनी का ये कॉपीराइट है कि ये जो है ये जो भी खरीदेगा वो इसको पेड वर्जन में खरीदेगा, ठीक है, मेरे पास भी एक पेड वर्जन है, ठीक है, तो मैं इसको डुप्लीकेट अगर लैपटॉप मैं डुप्लीकेट करके इसकी मैं इसको फर्दर कंपनी या फर्दर लैपटॉप में फर्दर सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर दूँ ओवर मतलब लैपटॉप अगर मुझे एक चीज़ का लाइसेंस मिला तो मैं इसको मल्टीपल पे इंस्टॉल कर दूँ, तो ये हमारे पास इस सिस्टम में आते हैं। अब इसमें हमारे पास होता है ऑनलाइन पायरेसी,
ठीक है। अब आपको बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे पास जो वैसे तो पेड वर्जन में मिलते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन फ्री भी मिल जाते हैं, जो क्रैक फॉर्म में मिल जाते हैं। जैसे बहुत इसमें बहुत सी गेम्स आती हैं, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, एडोब फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, वो वैसे तो पेड वर्जन में है, ठीक है, लेकिन आपको ओवर द इंटरनेट अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी क्रैक फॉर्म में मिल जाएगा। इस तरह बहुत सी आपकी गेम है, ठीक है, जैसे GTA 5 अगर आप लोग गेम में इंटरेस्ट है, गेम में इंटरेस्ट है, GTA 5 आपके पास हम पेड वर्जन में कंपनी से पेड वर्जन में देती है, ये गेम्स वो गेम नहीं है, ठीक है, वो ऐसे पेड वर्जन देती है, लेकिन वो क्या करेंगे आप ओवर द इंटरनेट आप सर्च करेंगे तो उसका आपको बहुत से आपको उसको क्रैक मिल जाएगी, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि लाओ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं या वो कोर्स कर रहे हैं उनके उनके अंदर बहुत से ऐसे लाभ हैं जो कि इस चीज़ को कुछ मेक श्योर करते हैं कि जिस कंपनी ने या जिस पर्सन ने वो सॉफ्टवेयर बनाया उसको उसका पूरा हक मिले और उसकी कॉपी हमेशा सुख जाया जा सके, ठीक है। हमारे पास अगला जो है हमारा टॉपिक है वो हमारे पास फ्रॉड एंड मिस यूज, इसकी ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास। अब मिस यूज होते हैं इंटरनेट, इसमें ये भी आता है कि आप लोगों ने किसी पर्सन से उसका जो डाटा है या उसकी मनी है वो अनएथिकल वे से या चोरी कर लिया, जो जिस किसी भी तरह से वो ये फ्रॉड और मिसयूज में आता है, ठीक है। इसी तरह हम आपसे ये कहते हैं कि जैसे अगर आपने आपको एक मेल आई होगा कि इस लिंक पे क्लिक करें और आपने आपका जो सॉफ्टवेयर आपका पर्सनल जो फेसबुक का पासवर्ड या किसी भी चीज़ का पासवर्ड है वो पॉसिबल है कि वो ब्रीच हो जाए, वो आप चेंज कर लें उसको, ठीक है। तो आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो क्या करता है वो लिंक आपको उस एप्लीकेशन से लिंक कर देता है, वो जो लिंक होता है जो आया होता है वो आपको उस एप्लीकेशन से जोड़ देता है जिसका आप लिंक जिसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, तो आप उसका पासवर्ड चेंज करते हो, यूजर नेम और पासवर्ड चेंज करते हो। अब क्या होता है कि वो जिस पर्सन ने वो लिंक सेंड किया होता है उसके पास आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड, आपकी ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड चले जाता है, ठीक है। तो वो उस पासवर्ड और उस ईमेल आईडी से आपके आपकी कोई भी डेटा कोई भी आपके भेज सकते हो, मिस यूज करता है, ठीक है। इससे दूसरी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपको मैसेज आएगा अक्सर कि आप लेकिन फूल कि आप ट्रांसफर अपनी मनी ट्रांसफर करें छोटी छोटी मनी ट्रांसफर करें, ठीक है, तो आपको इतनी बड़ी लॉटरी है, इतने बड़े पैसे जीत चुके हैं, ठीक है, तो आप थोड़ी मनी थोड़े से मनी हमारे नंबर पर ट्रांसफर करें, थोड़ा सा ट्रांसफर करें और आपको इस ये सारे मनी सारे ज़्यादा पैसा या जो बड़ा प्राइस है वो आपको मिल सकता है, ठीक है। तो वो भी आप फूल या फ्रॉड में होता है, ठीक है, आप ऐसा कोई भी टेंशन नहीं होती है, ये बिल्कुल ये सबसे कॉमन होता है, ठीक है। आपको मोबाइल पर आता है कि आपके आपने इतने लाख या सोना इतना इतने लाख पैसे इतने तोले सोना जीत लिया था हमारे नंबर पर, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट किया, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करते हैं तो हमें कहते हैं कि इतने नंबर इतना पैसे का 200-300-400-500 का हमारे अगले नंबर पर दौड़ रहे हैं, तो फिर हम आपको उसको नंबर पर शामिल कर देंगे, उसको फिर आपको पैसे सारे सेंड कर देंगे, आप गाड़ी लीजिएगा या ये वो ये सारी चीज़ें उसको हमें आती है, ठीक है। उसके बाद आप इसके वजह से जो आपके लास्ट टर्म होते हैं मोबाइल डिस्कास में, ठीक है, उसमें क्या होता है कि और कोई ऐसा आप एक आपको कोई ऐसा आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप किसी खास दोस्त से शेयर करना चाहते हैं तो क्या होता है कि वो पर्सन कोई भी आपके कोई दोस्त की फॉर्म में आपके पास दोस्त की और इंटरनेट आपको ऐसे करता है कि मैं आपका फ्रॉम दोस्त हूँ, उसके पास आपके दोस्त की इन्फॉर्मेशन होती है वो आप शेयर करता है कि मैं वो देखूँ ये मतलब के साथ अपनी बातें शेयर करता है और फिर आपसे क्या करता है आपके पास जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है या जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है आपका पर्सनल डाटा होता है वो आपसे ले लेता है कि आप जितना उसके अंदर क्या हुआ या यू जो भी इस टर्म में आता है, ठीक है। ये डिस्गाइज भी होता है कि वो आपको वो खुद वो बनता है बनता है जो बंदा नहीं होता, ठीक है। ये मोस्टली एग्जाम्पल है इसी के सबसे कम होता है, लेकिन पहले जो दो एग्जाम्पल है मोस्ट कॉमन है, ठीक है। और बस अगला है पेटेंट। अब पेटेंट से क्या होता है कि पेटेंट की मदद से आप अपने डाटे को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। अब पेटेंट की मदद से आप ये बड़ा अच्छा मैथड है जिसकी मदद से आप अपने डाटे को स्टोर कर सकते हैं, चोरी होने से डाटा में कोई भी चीज़ होती है आपकी आपका आपको कोई भी रिसर्च आपको कोई भी आइडिया तो अगर आप उसे पेटेंट कर लेंगे तो क्या होगा कि लास्ट में अगर आपने कोई रिसर्च की हुई है तो पेटेंट मैथड से आप अगर आप वो रिसर्च को कोई अदर पर्सन को यूज़ नहीं कर सकता, लास्ट अगर आपने कोई मेडिकल की टर्म में मेडिकल के फॉर्म में कोई रिसर्च की हुई है, ठीक है, तो आप उसको अपने पूरा पैटर्न कर देंगे तो कोई भी मेडिकल कंपनी है वो उसको चोरी नहीं कर सकती, आपके आईडी को चोरी नहीं कर सकती, वो आपसे आपके रिसर्च के आपके आईडी के रिवर्स का आपको पैसे दे के आपसे वो आइडिया खरीद के अपनी कोई भी चीज़ अपनी मेडिसिन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पेटेंट होता है, इसमें ये आपको राय देती है कि आपको जो डाटा आपने बनाया है जो डाटा आपका आइडिया है जो आपके रिसर्च है वो आप तक ही रहे आपके उसको पूरा यूज मिले जितनी भी आपने उसकी मेहनत की है, ठीक है। उसमें जो अगला टॉपिक है जो अगला है वो हमारे पास है कॉपीराइट लॉ।
अब कॉपीराइट लॉ और पेटेंट में ये फर्क होता है कि कॉपीराइट लॉ में आप अपने डाटा की कॉपी नहीं होने देते, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप लोग जिस बुक से आप लोग पढ़ रहे हैं, इस बुक का कॉपीराइट है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पास, ठीक है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ही इस बुक की कॉपीज करके और उसको बाजार में सेल आउट करेगा और फिर वहाँ से आप खरीदेगा और फिर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को इसका कमीशन जाएगा। कोई पर्सनल कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कोई थर्ड पार्टी इस बुक की कॉपी करके उसको बाजार में सेल आउट नहीं कर सकती। थर्ड पार्टी क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस बुक का सोल्यूशन बना के मार्केट में ला सकते हैं, वो उसके अलग है। लेकिन वो कोई भी थर्ड पार्टी जो है ना वो इस बुक की एज इट इज कॉपी करके इसको मार्केट में सेल आउट नहीं कर सकती, क्योंकि इस बुक का कॉपी राइट जो क्लेम है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पास है। इसी तरह आपको मैंने एम एस वर्ड की एग्जाम्पल दी थी। एम एस वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है, आप उसको यूज कर सकते हो, आप उसको पे करके उसका लाइसेंस खरीद सकते हो, लेकिन आप उनके आइडिया को चोरी नहीं कर सकते, आप उनके आइडिया को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो मोस्ट मोबाइल रेफरेंसिंग कंपनी है उसमें भी ये आप लेट्स सपोज अगर आपने कोई आइडिया बनाया, जैसे आपके पास जो स्क्रीन है उसकी जो कॉपीराइट क्लेम होता है वो है अच्छी और स्क्रीन एक टेक्नोलॉजी है, उसकी स्क्रीन का जो है कॉपीराइट वो सैमसंग के पास है, तो जब भी किसी कंपनी को ओरल की स्क्रीन बनानी होगी वो सैमसंग के खरीदेगा, ठीक है। इसी तरह हर कंपनी के अपना अपना कॉपीराइट है, अपनी अपनी टेक्नोलॉजी, अपना अपना सॉफ्टवेयर है, जिस भी चीज़ को उसको यूज़ करेगा वो उसको खरीदेगा, उसका कॉपीराइट खरीदेगा और उसके बाद उसको यूज करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या ट्रेड सीक्रेट, आप ट्रेड सीक्रेट की एग्जाम्पल हमने पहले पढ़ चुके हैं, बैंक ट्रांजेक्शन। ट्रेड सीक्रेट एक ट्रेड सीक्रेट में कंपनीज इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अगर ये सुनता है जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कोई कॉम्पिटिशन हो, अब वो दोनों कंपनी एक ही चीज़ बनाती है, ठीक है। अब ट्रेड सीक्रेट में आता है कि अगर आप उस कंपनी का जितने भी ट्रांजेक्शन वगैरह या जितने भी जो भी उसका पर्सनल डाटा या पर्सनल उसकी इन्फॉर्मेशन है जो उसको प्राइवेट उसकी ब्रीच से उसको बचाया जा सके, ठीक है। ये कंपनी इसकी सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लेट्स सपोज अगर आपकी इसकी एग्जांपल लें तो अगर आप लोग कंपनी से शेयर वगैरह खरीदने चाहते हो, ठीक है, तो अगर कंपनी नुकसान में जा रही है, ठीक है, ये बात तो सिर्फ कंपनी को ही आइडिया होता है, ठीक है। ये उनकी पायरेसी है, ये उनकी प्राइवेट है, ये उनका कंपनी से डाटा है कि वो अगर कंपनी नुकसान में जा रही है या फायदे में जा रही है, ठीक है। आप लोग उसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, ठीक है, अगर कंपनी नुकसान में होगी तो आपको भी उसके शेयर खरीद दो, अगर ये बात है आपको पहले पक्ष से पता होगी, ठीक है। आप उस कंपनी के अगर वो कंपनी अपना डाटा को स्टोर कर रखती है तो आप उस कंपनी के शेयर खरीदते हो, उनके पास पैसे आते हैं, हो सकता है वो कंपनी फायदे में जाए, लेकिन अगर आपको पहले ही बात कर रही कंपनी नुकसान में जा रही है या लॉस में जा रही है तो आप उस कंपनी में कभी भी शेयर नहीं खरीदोगे, वो कंपनी मुझे नुकसान में चले जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ये भी बहुत सारे अगर आप आपके पास बैंक की जो ट्रांजेक्शन जो पहले पढ़ चुका है, अगर आपको कंपनी से बैंक की ट्रांजेक्शन वगैरह पता हो तो आपको वो रेट पता लग जाएगा जिसकी मदद से वो भी अदर कंपनी से डील कर रही है, ठीक है। तो आप उस रेट से कम रेट के साथ उस कंपनी से डील करके वो डील आप खुद खरीद सकते, ये भी इस ट्रेड सीक्रेट्स में आता है किसी भी कंपनी का, ठीक है। अब हमारे पास जो सबटाइज है, सबटाइज हमारे पास क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं कि सबटाइज क्या होता है, अटैक होता है आपके कंप्यूटर के ऊपर जो क्या कहता है आपकी पायरेसी पर प्राइवेट डाटा जितना भी होता है वो सबको नुकसान हो जाता है, ठीक है। ये तब होता है जब आप ओवर द इंटरनेट कोई फ्री सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या इंस्टॉल करते हो, ठीक है। आप लैपटॉप कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप जिसको आप खरीदना चाहते हो जो आप उसको यूज करना चाहते हो या आप उसको जब आप सर्च करते हो तो वो पेड वर्जन मौजूद होता है, ठीक है। तो आप क्या आप ऑब्वियसली इसको पैसे नहीं पे करना चाहते उस चीज़ पे, जैसे आप विंडोज़ की एग्जांपल ले लें। उसके अलावा बहुत से आपको ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको जैसे एडोब फोटोशॉप का मैंने आपको बताया, ये सारे सॉफ्टवेयर क्या है हमारे पास पेड वर्जन में हमारे पास मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आप इसको क्रैक वर्जन ढूंढो तो आपको इंटरनेट क्रैक वर्जन इसका मिल जाएगा। क्रैक वर्जन होता है जो विदाउट एनी की लाइसेंस या पेमेंट के इंस्टॉल पे डाउनलोड पे इंस्टॉल होता है, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या डाउनलोड करते हो तो क्या करता है, उसके बैकएंड पे कोर कोड होता है जो आपके कंप्यूटर का या आपके डाटे का उस पर्सन को जिसने वो डाटा जिसने वो सॉफ्टवेयर अपलोड किया था उसको एक्सेस दे देता है, ठीक है। वो आप उसके क्या कर सकते हैं, वो आपके लैपटॉप आपके सिस्टम को स्लो भी कर सकते हैं, आपके सिस्टम में कोई वायरस भी इंपोर्ट कर सकता है जो आपके सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाएगा, आपके लैपटॉप आपके कंप्यूटर को स्लो कर देगा, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी यूज कर लेगा और उसके बाद उसके आपके कंप्यूटर की फुल एक्सेस भी उस पर्सन के पास आ सकती है, वो उससे कुछ भी यूज कर सकता है, वो उससे किसी को ब्लैकमेल कर सकता है, किसी को भी धमकी दे सकता है, किसी के खिलाफ भी आपको बता सकता है। तो क्या होता है इस तरह फिर आपका रिलेशन भी नुकसान होता है, ये
ठीक है, इसको इंटरनेट पे, ये ऑब्वियसली इंटरनेट की मदद से कंट्रोल होता है, ठीक है, वो आपके लैपटॉप में आपके कंप्यूटर को से ओवर इंटरनेट ही कंट्रोल करता है, अदरवाइज आप कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। ये सबरटाइज जाता है, इसमें टैप होता है आपके कंप्यूटर के ऊपर ओवर द इंटरनेट, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हो जो कि फ्री वर्जन होता है, ठीक है, तो उसके बैकएंड पे कोई वायरस होता है या कोई ऐसा कोड होता है जो आपके कंप्यूटर का या आपके सिस्टम का फुल एक्सेस उस पर्सन को दे देता है जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया था, ठीक है। और मेरे पास सबसे आगे टॉपिक आने वाला है शेयर करने का प्राइवेसी ऑफ अदर, ये हम अभी तक यही पढ़ रहे हैं, हमारा ये बहुत एथिकल भी होता है कि हम अगले बंदे को उसके अगले बंदे की प्राइवेसी का ख्याल रखें, अगले बंदे की प्राइवेटी का इन्फॉर्मेशन का ख्याल रखें, उसकी उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखें, उसके डाटा को लीक ना करें, जो हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको ख्याल रखें, ये एथिकल वे भी है, ये हमारा इस्लाम भी इस बात को प्रमोट करता है कि अगर आपके पास किसी का कोई राज है तो उसको अच्छा ना करें, ठीक है। आप इसमें आपने आपने बहुत सी कंपनीज के बाहर ये वाला लोगो देखा होगा कि कैमरा आई की पेयर ऑफ कैमरा आई, ठीक है, ठीक है, तो वो इस बार आपको दो बातों का अलार्म कर रहे थे, एक बात तो ये कि आप कैमरे की आंख देख लिया अगर आपको गलत है करना है, और दूसरा इस बात होता है कि वो इस बात की पाया आपको आपसे इंफॉर्मेशन आपसे इस बात की अलाउंस ले लेता है, आपसे इस बात की इजाज़त ले लेता है कि हमें आपकी पिक्चर लेना चाहते हैं, ठीक है, ये इसी बात में आता है, ठीक है, तो अगर आपको अलार्म कर रहे हैं इस बात पर कि आप कैमरे की नज़र में हैं, आप कैमरा आपको देख रहा है, तो इस बात से आप इस बात को अलाउ करते हैं कि आप उनकी पिक्चर ले सके, वो आपकी पिक्चर ले सके, ठीक है। लास्ट में अगर आप उनकी फॉर्म में एंटर होते हैं तो उनका ये राइट है कि वो आपकी पिक्चर लें, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको बता देंगे कि हमारे पास जो डाटा है, हमारे पास कैमराज हैं जो आपकी पिक्चर लेंगे, अगर आप अपनी प्राइवेसी को सेव करना चाहते तो आप उस बिल्डिंग में एंटर ना हो, अगर आप इस बात पे कोई कंसर्न है, ठीक है। दूसरा, अगर आप लोग मोटरवे वगैरह पे या रोड पे जा रहे हैं तो आपको स्पीड कैमरा ऐप का सिग्नल आ जाता है, ठीक है, तो वो दो चीज़ों से आपको लाभ होता है, एक तो कि आप ओवर स्पीड ना हो, ठीक है, दूसरे नंबर पर आप गए कि वो आपको आपसे इस बात की इजाज़त दे देता है कि हम आपकी व्हीकल की पिक्चर लेंगे, इसकी मदद से हम आपकी स्पीड को मेजर करेंगे, ठीक है, तो ये भी इस बात पर आता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है सम कंपनीज शेयर दे आपको, उसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है कुछ कंपनीज अपनी प्राइवेट अपने टर्म्स एंड कंडीशन को आपके साथ शेयर कर देंगे, अगर आपने ये एप्लीकेशन को यूज़ करना है तो हमारे ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को आप फॉलो करेंगे, तो वो ये एथिकल वे है, अगर आप गरीब बंदे को बता दें कि ये हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके आप हमारी सॉफ्टवेयर को हमारे डाटा को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसी क्लास ये हमारा आज का लेक्चर था, इंशाल्लाह अगले लेक्चर का भी लेंगे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।